शहर में संचालित हो रही बेकरी संचालकों को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रकरण में राहत मिल गई है। बोर्ड ने बेकरियों पर कार्यवाही के जारी आदेश को 4 माह के लिए स्थगन आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब बेकरी संचालक दोबारा विद्युत कनेक्शन हासिल करने के लिए कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। गुरुवार को बेकरी संचालक आदेश की कॉपी लेकर खंडवा रोड स्थित विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचे। यहां सहायक यंत्री अनिल महाजन को आदेश की कॉपी सौंपते हुए विद्युत कनेक्शन जोड़े जाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। हम बेकरी वालों की आज दिनांक 10 को हम आदेश हमारा लाइन जो कटी थी उसका जोड़ने का आया है। बाकी आज 3 दिन हो गए हम दर दर भटक रहे हैं। बाकी आज तरी तक हमारी लाइन नहीं जोड़ी गई और यहाँ पर हम लाइन जोड़ने के लिए आए हैं। हमारा जो प्रदूषण अधिकारी ने इंदौर से जो आदेश दिए हुए उस आदेश को भी लेकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। ना MP भी सुनने को तैयार है और ना ही प्रशासन सुनने को तैयार है हमारा आदेश। इसमें हमारे जो मजदूर छोटे तबके के लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, भूखे प्यासे इधर उधर घूम रहे हैं ताकि हमारी बेकरी हमारी रोजी रोटी चालू हो जाए। नहीं पर वो क्या बोल रहे हैं अधिकारी, क्या बोल रहे हैं अधिकारी? बोल रहा है कि आदेश आएगा, जबकि आदेश की फोटो काफी भी उन लोगों के हाथ में हम लोगों ने दे दी है। नहीं तो पहले क्यों कार्ड दिया? पहले इसके लिए कार्ड दी थी कि हमारे कुछ टाइम का समय था, वो समय के अंदर हम हमारा कार्यक्रम कार्य कर नहीं पाए थे बराबर इसके लिए, और अभी हमने 4 महीने का समय लिया हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि रहवासी क्षेत्र में थी इसलिए काटे गए, रहवासी क्षेत्र में थी इसके लिए हम बाहर चले गए सर, सभी चले गए। और उसके अलावा भी सर ये हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी बेकरी लाइन देखी जाए, बेकरी लाइन जो है वो हमारे इसमें आती है सर, आवासीय क्षेत्र में आती है सर, और हमारे को यहाँ से हटाया जा रहा है। जबकि इसमें होटल भी आता है, डेयरी विभाग भी आती है, बड़े बड़े उद्योग जो खरगोन के अंदर है वो भी सर इसके अंदर आते हैं। बाकी बेकरी वालों के साथ ही ऐसा व्यवहार हो रहा है, ये हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। 28 कनेक्शनों की लिस्ट प्राप्त हुई थी, 23 कनेक्शन काटे हैं, जिसमें 2 कनेक्शन से पीड़ित थे, 2 के डबल नोटिस थे। कारण क्या था इनका? कारण था प्रदूषण विभाग ने जो लेटर लिखा था हमारे एसी साहब को कि इनने जो प्रदूषण के जो नियम है शहर से बाहर करें, उसके लिए जो पूर्व में तारीख दी थी वो तारीख खत्म हो गई थी, तो उसके लिए नोटिस दिए थे। रिकॉर्ड में देखा जा रहा 40 कनेक्शन काटे गए थे, बाकी लोगों नहीं, सभी कनेक्शन काटे थी, सभी कनेक्शन काटे गए थे। अब क्या मामला है? अब मामला ये है कि इनको प्रदूषण विभाग ने स्थगन दिया है, जिसका लेटर अभी मेरे को प्राप्त हुआ है, इनके द्वारा दिया गया है। मैं वरिष्ठ कार्यालय से इसके निर्देश प्राप्त करके जो भी उचित कार्रवाई होगी। सर, जनरेटर लगा के जो चला रहे, ये अवैध है या वैध है? इनके काट दिया, जनरेटर अभी भी काम कर रहे हैं सर। हमको कनेक्शन काटने के निर्देश दिए थे, हमने कनेक्शन काटे थे। कनेक्शन तो आपने काट दिए, लेकिन ये तो लाइट का उपयोग कर ही रहे थे, जनरेटर लगा के चालू कर दिया था। नहीं, जनरेटर सकते हैं क्या जनरेटर लगा के? ये हमारे चूंकि उसमें नहीं आता जनरेशन की परमिशन है नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर देखते हैं। अच्छा, आप ही देखते हैं। आप कितने कनेक्शनों के लिए आपको आदेश आया है? प्रदूषण स्थगन कितने? अभी मेरे पास जो लेटर आए हैं 9 लोगों के आए हैं। 9 लोगों? तब क्या करेगा? मैं वरिष्ठ कार्यालय से इसमें मार्ग निर्देशन लूंगा, उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी। क्या नाम है? अनिल महाजन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।